हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पीयू सक्सेना ऑलराउंडर। कैसे आप सब, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं हूँ प्रीति एन पीयू और आज का ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। थोड़ा सा काम कर रही हूँ। उसने क्या कर दिया पीयू, उसने वही कर दिया जिसका किसी पे कंट्रोल, किसी का कंट्रोल नहीं लेता ना, जिस चीज़ पे इनको लेता जी नहीं लोग। तो अब पीयूष आज गुस्सा हो गया थोड़े, पता नहीं नाराजगी दिख रहे हैं। गुस्सा हो गया पीयूष किससे? गुस्सा हो गया है तो बोल दो। अच्छा सबसे किन से? उधर फैमिली से, इधर देखो वो फैमिली से गुस्सा हो रहे देखा आपने? इधर फैमिली से गुस्सा, इधर ये तो सब लोग, इधर तो फैमिली ने कुछ नहीं कहा। किससे गुस्सा? हमारे फैंस है, हमारे फैंस है, फैंस है। अच्छा फैन से गुस्सा नहीं है तो किससे गुस्सा है बताओ? किससे गुस्सा बता, जल्दी बता, जल्दी बता दो। अच्छा बता दो, अपने छोटे से भाई से गुस्सा ये भी बुद्धू है, वो भी बुद्धू है, वो इनसे छोटा है, ये 2 साल बड़े हैं, वो 2 साल छोटा है लेकिन इतनी तेज देखा किसको भी गुस्सा देखा। खेलेंगे भी ना बच्चों का यही होता है, हाय हाय गुस्से में हाय हाय ना करो, प्यार से बोलो, वहां प्यार से बोला जाता है। हेलो नमस्ते जी बोलो सही से। सब कहेंगे पीयूष को गुस्सा ज्यादा आती है, बोलो हाय जी। हाय जी अब पीयूष आयुष ने नहीं बोला ना, हाय। गुस्सा किस पे दिखाई थी? बाबा पे गुस्सा दिखा रहा था, बाबा से भी गुस्सा हो जाता है ना? किससे गुस्सा? बाबा से, बाबा से गुस्सा। और गजब बाबा से गुस्सा है। तुम्हारा छोटा भाई है ना वो? नहीं वो मेरा बिस्कुट लेके गया देखा ये होता है बचपन, नमस्ते ये होता है बचपन में बिस्किट के लिए भी नमस्ते जी। लेकिन कैसा होता, अच्छा होता ना ये तो। इनकी अभी बच्चे की लड़ाई भी होगी, प्यार में खेलेंगे भी कूदेंगे वही है ना। चलो मुझे बहुत सारा काम है, पूड़ियाँ बनानी है, चलो बना लेते हैं फटाफट से। गाइस पीयूष देखिए क्या क्या देखता रहता है, ये देखिए ये वाला कार्टून किसको किसको पसंद है कमेंट करना। कौन सा आ रहा है? ओगी कॉकरोच, जिगा सार्को पार्को वाला आ रहा भाई, मरीना वाला, मरीना। अब तो हंस दो, स्माइल प्लीज, मरीना वाली स्माइल कर दो। अच्छा पापा क्या कर रहे हैं? देखते हैं, आइए देखते हैं पापा क्या कर रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे मैं कचौड़ियाँ बना रही हूँ, आलू बनी कचौड़ियाँ। तो गाइस कचौड़ियाँ मैं कैसे बनाती, देखिए पहले तो ये कचौड़ी देखिए कितनी बढ़िया सी बनी है, खरी खरी कचौड़ी, धीमी आंच पे पकी हुई, लग रही ना बहुत ही बढ़िया। और मैं जैसे बनाती हूँ ना, अगर आपकी कचौड़ियाँ फटती हो तो फटेगी नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे। एक लोई लेंगे, लोई को हम गोल 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 एक कटोरी का शेप दे लेंगे, ठीक है। कटोरी का सेब देने के बाद हम इसमें भर लेंगे आलू, इसमें हम भर लेंगे आलू, बढ़िया से अच्छे से भर लेंगे। आलू भरने के बाद इसको हम सील पैक कर लेंगे। और कचौड़ियाँ बनाने के लिए कोशिश करिए कि आटा एकदम बढ़िया सा सॉफ्ट आटा गूंदे, है ना, मतलब अच्छे से, ठीक है। अब इस पे हम आटा लगा के कोशिश ये करें, तो ऐसा करके हम कोशिश करेंगे, जब आपका आटा मुलायम गूथा होगा ना तब ये चीज़ हो जाएगी बहुत अच्छे से। जितनी कोशिश कर लीजिए पहले ऐसे ही से अच्छे से हाथों से इसको हम जितना हो सके हम फैला लेंगे, ठीक है। आप देखना आपकी कचौरियाँ पतली भी बनेंगी, और फिर बेलन से हम हल्के हल्के
बहुत ज़्यादा दम नहीं लगाएंगे, ताकत नहीं लगानी है, और हल्के हल्के से बेल लेंगे। देखिए परफेक्ट हमारी कचौड़ियाँ बनके तैयार होंगी और प्लस फटेगी भी नहीं। आप देखिए है, क्योंकि ऑलरेडी हमने बढ़ाई ली कितनी बढ़िया से, ठीक। और बस इसको तेल में डालेंगे फ्राई होने के लिए। अभी हम दूसरा भी तरीका आपको एक और तरीका बताते हैं। एक लोई हम और ले रहे पूड़ियाँ बनाएंगे, कचौड़ी बनाएंगे, मतलब दोनों चीज़ बनाएंगे। और उसी तरह हम इसमें एक कटोरी का सेप दे लेंगे, बड़ा सा बढ़िया सा कटोरियों का सेप देंगे, ठीक। इसमें भी हम अपनी आलू की स्टफिंग भर लेंगे, ठीक है। और सील करने से पहले हम इसमें थोड़ा सा आटा सूखा वाला, जिससे हमारी कचौरी फटेगी नहीं, ठीक है। डस्ट करने के बाद बस सेम प्रोसीजर करेंगे इसको सील पैक करने के बाद। डस्ट करो, हल्के हल्के हाथों से हम फैला लेंगे। जब आपका आटा मुलायम होगा ना भाई, तभी ये फैलेगी भी। आप इतना देखिएगा, देखिए कितनी बढ़िया सी फुली फुली कचौरी हमारी बन रही है कितनी गजब की कचौरी, मज़ेदार गर्मा गर्म। और सर्दियों में तो कचौरियों का मज़ा ही है, और नए आलू की कचौरियाँ तो वाकई बहुत टेस्टी लगती है। आप देखिए कितनी गजब की लग रही है, और मैं चिमटे से उठा पाती फूली फूली सी, वाह लग रही ना बढ़िया। और फटी भी नहीं, आप देखो बिल्कुल कहीं से फटी नहीं, और कितनी अच्छी सी कचौड़ी, बड़ी सी कचौड़ी। एक कचौड़ी दो कचौड़ी भी इंसान खा लेगा ना, फुल हो जाएगा उसका पेट, क्योंकि हम आलू खूब भर के, आप देख लो आपके सामने आलू खूब भर के बना रहे हैं, आटा कम आलू ज़्यादा। देखिए बस एक दो मिलने वाले में हमारी कचौड़ी बिल्कुल फुल्ली तैयार, ये देखिए है कितनी बढ़िया। चलिए बना लेते हैं, फिर मिलते हैं। चिल्ला रहा है तो गाइस, पापा खाना देने जा रहे हैं, बनाए छोला आलू, ठीक है। हमने बताया ना मेरे बच्चों को आलू पसंद है, तो पापा को खाना लेके आते हैं, ठीक है। लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और छोटे से बटन में इसको दबा दीजिएगा, और शेयर कर दीजिएगा, छोटे से बटन में इसको भी दबा दीजिए। नमस्ते जी, खाना खा लिए आइए। देखिए क्या है, पूरी है और आलू है और प्याज है और तरबूज है। आलू खाइए, आके चलिए खाते हैं। हाय बढ़िया बोलो, तो गाइस पूरी कचौड़ी सब बन गई है। अरे घर में काम करने लगी मैं भी, हो रही थी ये पता है, ये जो मेरा सूट है ढीला हो गया है, देखिए अब ये मैं पीछे ऐसे खींच रही हूँ तो फिटा रहा नहीं, तो ऐसे देखिए लूज देख लीजिए कितना लूज हो गया ना, ढीला ढीला हो गया। तो बस यही है मेरी लाइफ, यही है मेरी खुशी, और यही है मेरा काम। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, काम काम होता है, ना इंसान कोई छोटा बड़ा होता है, ठीक है। काम काम होता है, तो मेरा भी काम, एक बड़ा इंसान भी काम करता है, एक छोटा इंसान भी काम करता है। बस काम कोई भी हो, काम ईमानदारी से करना चाहिए, है ना। तो वही मैं कर रही हूँ, और सबको जा रही हूँ खाना खिलाने। पहले आयुष को खिलाऊंगी, आयुष पी उसको देखो, पापा खा रहे हैं, आयुष पी उसको भी देने जा रही हूँ, ठीक है। सफाई कर दी है पूरी किचन की, साफ कर लिया प्लेटफॉर्म वगैरह, थोड़े बर्तन धो लेती हूँ, बच्चों को खाना दूंगी। मेरा ये ढीला पीयूष आयुष के लिए खाना दिया है, तो बच्चे खाना खाएंगे। बस यही है काम, सुबह पता है सर्दी का दिन में तो टाइम का पता ही नहीं चलता, कभी शाम हो गई, नहीं कभी सुबह होती है, कभी शाम होती है ना। लंबी रातें बोलते थे कि मुझे तो सब्जी नहीं आता है टाइम का, सर्दी में काम करते ही करते सारा दिन, काम करो झाड़ू पोछा करो बर्तन और कपड़े लपड़े धो लो, तो और दिन बिल्कुल गायब, फिर शाम हो जाती है, फिर खाने में लग जाओ, बस यही चल रहा है। मेरे साथ नहीं सभी के साथ ऐसा हो रहा होगा ना,
बच्चे खाओ खाना खाओ गाइस तो ये लोग खाना खा रहे हैं। खाना टेस्ट कराना फैमिली को पूछो। अब गुस्सा ठीक है शांत हो गए? अब शांत है पहले थोड़ा सा गुस्सा है गाइस थोड़ा सा गुस्सा थे है ना तो कोई बात नहीं मेरी बहुत टेस्टी बना गया छोले। अरे हमें तो खिलाओ खास नहीं था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दिया शेयर कर दिया छोटे से बेटे में उसको भी देना दीजिए शेयर भी कर दिया। अब सुन लिया ना सब कर दीजिएगा ठीक है। तो जाते जाते खुद का ख्याल रखो मम्मी पापा ख्याल रखो जिनसे प्यार करते हैं उनका ख्याल रखो। ओके फैमिली बाय। और मुझे लग रही ठंड अब जा रहे पहनने कपड़े स्वेटर अभी काम करने में साल ओढ़ के काम नहीं होता है ये थोड़ा बड़ा था तो मैंने लिया था अभी मैंने पीछे से पकड़ के रखा है गला भाग रहा है मेरा इधर उधर क्या कर सकते हैं लेकिन हाँ अच्छा लगता है वो पहले मोटी थी ना थोड़ी इससे भी ज्यादा मोटी थी अभी तो मोटी हो अभी भी मैं अपने आपको दुबला भी कहूँगी हाँ मतलब बीच वाली हो गई तो पहले खुद मैं मोटी थी ना तो इसलिए इससे ज्यादा मोटी थी। अगर पिछले पुराने वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा अरे यार मोटी क्या फूली फूली थी एक तो वो नहीं होता फूलने वाली वो आ जाती है बीमारी होती है वैसे ही कुछ हो मेरे पानी में लग जाता है तो अभी तो मैंने अपने आप को ठीक करते करते लेकिन जाड़े के मौसम में ना अभी तो मैं इससे ज़्यादा मैंने अपने आप को वेट जो है क्या किया था कम किया था पता है ये तो मैं जाड़े में ये रात में बाबू खिला भी देते तो खा भी ले रही थोड़ा बहुत वैसे मैं वैसे इतना नहीं खा रही लेकिन सर्दी की वजह से थोड़ा बहुत सभी के चेहरे पर नहीं ऐसा चेहरा कभी फूला लगता कभी सर्दी में हो जाता है मेरे साथ भी होता है इतना नहीं है ये फिर गर्मी आएगी ना फिर मैं कवर कर लूंगी। अब मैं ऊपर नहीं जाने वाली ऊपर मेरा बेड मतलब मैं ऊपर नहीं मैं तो ऊपर जाऊंगी ना अभी नहीं कभी जब भी भगवान ने लिखा होगा जाना तो सभी को है वाला ऊपर नहीं मतलब मेरा बेड इसको ऊपर नहीं जाने दूंगी ये मतलब है क्योंकि मैंने अपने पिछले वीडियो देखे मुझे लगा अबे यार कितना बढ़ जाता है पता नहीं चलता था जब आप पतले हो जाते हो पतले होने के बाद पीछे से देखो ना पीछे वीडियो तब समझ में आता है। तो चलिए वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कर देना जाते जाते खुद का ख्याल रखो मम्मी पापा ख्याल रखो जिसे प्यार करते उसका ख्याल रखो। ओके फैमिली लव यू बाय।